जीवन में बड़ी ब्यादा है, लेकिन वो खुद ब्यादा डाले पड़े हैं, क्योंकि संसार में मनुष्य कुछ लेके नहीं आया है। नंगे आए जगत में कछु न लाए, साथ सब यही रह जाएगो बाबरे जाएगो खाली हाथ। संसार में कोई कुछ नहीं लाया। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उसी समय आज काशी नरेश सभी नगरी में जब ढिंढोरा पिटवा देते हैं और कहते हैं, कोई पतिव्रता नारी हो तो हमारे जो काशी नगरी में गधा आया है उसके ऊपर अपना जल का लोटा चढ़ा दो। अब तो ढिंढोरा वाले ने ढिंढोरा पीटा और निमंत्रण वाले ने निमंत्रण दिया, लेकिन बताया जाता है कि सारी काशी नगरी की जितनी भी पतिव्रता नारी थी सभी ने जाकर के लोटा चढ़ाया, लेकिन उस लोटा के पड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो काशी नरेश सोचने लगे, मेरी भी रानी पतिव्रता थी, उसके जल के लोटा से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो अब कौन हो सकती है। राजा भी उदास हो गए, लेकिन जब मां भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो उसी काशी की एक मेहतरानी जो थी वो वहां गलियां साफ कर रही थी, कहने लगी, सभी देवियों से बहना क्या बात है, कैसे भीड़ भाड़ हो रही है। जवाब दिया, भीड़ भाड़ का हो रही है, यहां पर एक गधा आया था और पतिव्रता नारी अपना अपना पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए जल का लोटा चढ़ा रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एकदम से मेहतरानी चुप हो गई, घर पहुंची, इधर काशी नरेश कहने लगे, कोई नगरी में बाकी तो नहीं बची। जवाब दिया, हाँ एक घर बचा है। कौन सा घर बचा है? मेहतरानी का घर बचा है, वहां हमने निमंत्रण नहीं दिया था। अब राजा कहने लगे, जाओ जल्दी से उन्हें निमंत्रण दे करके आओ। तो एकदम से आज मंत्री निमंत्रण देने के लिए गया तो एकदम से काका, जवाब दिया मेहतरानी ने, हे मंत्री, इस समय मेरे पिया मेरे महलों में नहीं है, जब तक मैं पिया का आदेश नहीं पा लेती हूँ तब तक मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कोई कार्य नहीं करती हूँ, और मेरे पिया आ जाएंगे तो उनसे पूछ करके मैं तब आगे कदम रखूंगी। कहने लगे, ठीक है। तो उसी समय कुछ समय के बाद आज मेहतरानी के पतदेव आए, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, पिया आपकी आज्ञा हो जाए तो अपनी नगरी में एक गधा आया है और बहुत सी नारियां पतिव्रता उन्होंने जल का लोटा चढ़ाया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कालू एकदम से वो मेहतर कहने लगा है कि अगर तुम्हारे जल के पड़ने से अगर वो गधा से इंसान हो जाए तो ये तो बहुत उपकार का कार्य है, जाओ चढ़ा करके आओ। अब तो वो जल का लोटा लेकर के आज अपने पति के चरणों का स्पर्श करते हुए जब पहुंची है गधा के पास तो क्या ज्यादा नहीं, दो ही बूंद चढ़ाएंगे। और बताया है कि जल के बूंद गिरते ही और सुनो लगा कर ध्यान, और पतिव्रता के धर्म से गधा बने इंसान, यो भैया गधा बने इंसान,
जल के फूला पड़ते ही सुनो लगा कर ध्यान, अरे पतिव्रता के धर्म से कथा बने इंसान, यो भैया कथा बने इंसान। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब तो एकदम से जैसे उस पतिव्रता नारी ने दो जल की बूंद डाली, एकदम से गधा से मनुष्य हो गए। ध्यान रखना, अब तो जितने ऊंचे ऊंचे घराने की माँ देवियां खड़ी सो सब नीचे नजर डाल के अपने अपने घर को चल रही। कहने लगे सभी नर नारी देखो तो सही, कहा गलियां साफ करने वाली आज वो पतिव्रता नारी कहलाने लगी। ध्यान रखना, अब एकदम से जब राजा त्रिशंग गधा से मनुष्य हो गए तो थोड़ा उन्हें कुछ अभिमान हो गया। वो कहने लगे उस मेहतरानी के पतदेव से, मेहतर से, मेहतर तेरी रानी ने मेरे ऊपर जल की बूंद दो चढ़ाई है, लेकिन मैं इसका ऐसा नहीं चाहता, इसके बदले में तू कुछ वरदान मांग ले। तब उस मेहतर ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ, मेरी इन दो बूंदों के जल की ब्याज पे ब्याज करके और तुम्हारा वंशेज पुत्र मेरे यहां आकर के नीर भरे। राजा त्रिशंग को कहने लगे हां मेरा पुत्र तुम्हारे यहां आकर के जल भरेगा, और इतना कह करके आज त्रिशंग वहां से अपनी पत्नी सत्रथा को लेकर के अवधपुरी में चले आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर क्या हुआ, श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे हे राजन परीक्षित, महाराज त्रिशंग के पुत्र राजा हरिचंद हुए और हरिचंद का विवाह रानी तारा के साथ हुआ था। ध्यान रखना, और ये रानी तारा जो थी ये पतिव्रता नारी थी, लेकिन देखो वो भी पतिव्रता नारी थी जो गलियां साफ करती थी, लेकिन अब एकादशी को व्रत को पालन देवियां करें और जादना व्रत वालो समय होए दिन होए वादना का कहीं सले सीटू के पापा कहाँ जा रहे हो साइकिल लेके, बाजार जा रहे हो तो टमाटर ले आइयो, सपड़ी ले आइयो, अमरूद ले आइयो, नींबू ले आइयो, नारंगी ले आइयो, सब कुछ ले आइयो। जब व्रत वालो समय खाइवे में चलो जाओ तो बताओ तुम्हारा व्रत के पालन करने से क्या फायदा, जाते तो रोटी खा लो।